हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा शुगर स्टॉक्स के बारे में जो कि आपको फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकता है। एंड आपको पता ही है, शुगर स्टॉक 2023 के बाद इथेनॉल ब्लेंडिंग में 20% इसके यूज़ किया जाएगा, तब इसकी एक अच्छा खासा ग्रो देखने को मिलेगा। एंड इस स्टॉक की प्राइस अभी बहुत कम है एंड फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने का चांसेस है। एंड स्मॉल कैप स्टॉक है, जब लार्ज कैप बनेगा तब आपको एक मल्टीपल का रिटर्न यहाँ पे मिलने का चांसेस है। स्टॉक का फंडामेंटल से लेकर सब कुछ, बिजनेस यहाँ पे बढ़िया है। एंड हम इस वीडियो में कंपनी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। एंड स्टॉक ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल के आसपास आके बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है एंड यहाँ पे पुल बैक देखने को मिला, तो वो हम सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए क्योंकि इस वीडियो में पूरा डिटेल एनालाइज करूँगा, तो वीडियो को वॉच कीजिए, ना कि आप इस वीडियो को स्किप करके देखिए तो आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे स्किप करके देखिएगा तो आपको कुछ यहाँ पे पार्ट मिस हो सकता है एंड आपको लॉस हो सकता है। अगर आप कंपनी के बारे में ना जान के किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको वहाँ पे लॉस होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो चलिए वीडियो को फिलहाल स्टार्ट करता है। तो हम सबसे पहले तो कंपनी के बारे में यहाँ पे जान लेता है। कंपनी की नाम है यहाँ पे KM शुगर मिल्स लिमिटेड। एंड कंपनी के नाम आपको सबसे पहले बता दिया, कंपनी के नाम जान के आपको यहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप पूरा एनालाइज आप समझ सके। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे देखता है आगे। और यहाँ पे कंपनी की बिजनेस क्या है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है शुगर डिस्टिलरी प्रोडक्ट्स, इथेनॉल एंड डीनेचर्ड स्पिरिट। कंपनी की यहाँ पे जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का भी बिजनेस है। उसके बाद कंपनी की प्रोडक्ट देखें तो यहाँ पे शुगर डिस्टिलरी एंड क्लीन पावर का बिजनेस है, जिसके अंदर बायो मैन्योर सैनिटाइजर यहाँ पे आ जाता है। एंड सैनिटाइजर के इसकी मार्केट में एक ब्रांड है जिसके नाम मोती है, वो एक अच्छा खासा ब्रांड है इस कंपनी का। एंड बायो मैन्योर का भी एक मोती सुपर नाम से मार्केट में ब्रांडेड कंपनी इसकी लॉन्चेस है। उसके बाद स्टॉक की यहाँ पे स्प्लिट या पे रेवेन्यू देखे तो शुगर से 86% रेवेन्यू जनरेट करता है कंपनी, डिस्टिलरी प्रोडक्ट से 11% की रेवेन्यू जनरेट करता है, को जनरेशन से 3% रेवेन्यू जनरेट करता है। शुगर सेगमेंट से यहाँ पे 86% यानी कि मैक्सिमम रेवेन्यू शुगर सेगमेंट से आता है। तो यहाँ पे कंपनी 2023 में एक अच्छा खासा ग्रो कर सकता है, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडिंग में 20% की जो शुगर का इथेनॉल ब्लेंडिंग में पेट्रोल ऑयल का इसमें शुगर का यूज़ किया जाएगा, जो कि एक अच्छा बात है शुगर सेक्टर की कंपनीज़ के लिए। उसके बाद कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखें तो कंपनी की यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, एक अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, जो अयोध्या पे है। एंड कंपनी की शुगर डिवीजन में कैपेसिटी इसकी 9500 TPD टॉन्स पर डे। उसके बाद डिस्टिलरी डिवीजन से कंपनी की कैपेसिटी देखें तो 50 KLPD एंड कंपनी की को जनरेशन प्लांट से 25 MWH। उसकी बात कंपनी की एक यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी एग्रीमेंट पार्सेस कंपनी के साथ है, उत्तर प्रदेश पावर को कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक पार्सेस पावर पार्सेस एग्रीमेंट है, जो कि यहाँ पे अच्छा खासा बात है, कंपनी के एक पार्सेस एग्रीमेंट है, तो ये अच्छा बात यहाँ पे हो जाता है। एंड नेक्स्ट कंपनी की फ्यूचर प्लान देखें तो कंपनी की एक अच्छा खासा फ्यूचर प्लान है। कंपनी अपने बिजनेस को फ्यूचर में और भी डाइवर्सिफाई करना चाहता है इनटू बोटलिंग, सेलिंग एंड लिक्विड ऑफ ह्यूमन कंजप्शन मैन्युफैक्चरिंग करके कंपनी अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा यहाँ पे डाइवर्सिफाइड करना चाहता है, जो कि अच्छा खासा बात यहाँ पे है। उसके बाद कंपनी ऑल्सो प्लानिंग टू सेट अप रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोलर प्लांट। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सोलर प्लांट इसका भी फ्यूचर में प्लानिंग कर रहा है, तो आप समझ सकते हो फ्यूचर में कंपनी यहाँ पे ग्रो करने के लिए कितना चांसेस कंपनी के पास है एंड कंपनी अपने आप को कितनी ज़्यादा यहाँ पे ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे ज़्यादा अच्छा बात है कि कंपनी की प्राइस अभी बहुत ही कम है एंड कंपनी की फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है, तो आगे जाके आपको बहुत ही यहाँ पे डिटेल एनालाइज करके आपको बताऊंगा। एंड कंपनी एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल के पास भी आके यहाँ पे पहुँच गया है एंड ऐसे बाउंस बैक करने का बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा है, तो चलिए आगे देखता है। तो हम सबसे पहले कंपनी की फंडामेंटल्स की बात करें तो इसकी मार्केट कैप 258 करोड़ का ओनली, स्मॉल कैप स्टॉक, माइक्रो कैप भी आप बोल सकते हो इसको, क्योंकि 1000 के नीचे इसकी मार्केट कैप है, तो इसको आप स्मॉल कैप या माइक्रो कैप बोल सकते हो। उसके बाद इसकी
पीई देखे तो 6.22 है, जबकि इसकी इंडस्ट्री का पीई है, सुगर सेक्टर का पूरा इंडस्ट्री 13 की पीई में चल रहा है एंड इसकी 6 पीई चल रहा है। तो आप समझ सकते हो कितने अच्छा खासा वैल्यूएशन पे ट्रेड करें, बाय करने के लिए एक अच्छा प्राइस पे आपको मिल रहा है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी 17%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15%, जो बहुत ही अच्छा माना जाता है इतनी छोटा कंपनी के होने के बाद भी। प्रोमोटर होल्डिंग देखे तो 64% एंड कोई भी शेयर यहाँ पे प्लेज नहीं है। डेप्ट देखे तो 224 करोड़ का, जबकि कंपनी के पास रिजर्व्स है 234 करोड़ का। तो कंपनी जब चाहे अपने डेप्ट को चुका सकता है। कंपनी की एनुअली इनकम 41 करोड़ का, तो अच्छा खासा यहाँ पे डेप्ट कंपनी के पास जो है अच्छा खासा इनकम भी है कंपनी के पास। तो कंपनी जब चाहे अपनी डेप्ट को चुका के यहाँ पे डेप्ट फ्री भी हो सकता है। ईपीएस देखे तो कंपनी की 4.51 है, जो कि अच्छा खासा है, इसकी प्राइस के हिसाब से एवरेज है एंड अच्छा है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों में 10% के साथ कंपाउंड हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों में 2.86% के साथ कंपाउंड हुआ है। कंपनी की डेप्ट टू इक्विटी 0.89 है। पेट्रोस की स्कोर 6 का है, जो कि इंडिकेट करता है कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एंड कंपनी की प्राइस की बात करें तो यहाँ पे ओनली 28 रुपीज़ है। तो इतना कम प्राइस में भी कंपनी की इतना अच्छा खासा फंडामेंटल्स है, तो आप समझ सकते हो कितनी अच्छा खासा कंपनीज है। एंड आगे जाके आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए। उसके बाद कंपनी की फाइनेंशियली प्रॉफिट एंड रेवेन्यू की बात करें तो ये जो बड़ा वाला बिल्डिंग ये रेवेन्यू की बिल्डिंग है एंड छोटा छोटा ग्रीन कलर का जो बिल्डिंग ये रेवेन्यू का प्रॉफिट की बिल्डिंग है। तो यहाँ पे 2019 में कंपनी की 24 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, ये नंबर करोड़ में है। उसके बाद 2020 में 18 का थोड़ा यहाँ पे डिक्रीज हुआ था कंपनी की प्रॉफिट एंड 2021 से कंपनी को 26 करोड़ का। उसके बाद 2022 में 41 करोड़ का प्रॉफिट हुआ एंड इसकी प्रॉफिट हर सालों में लगातार इंक्रीज हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड आगे जाके 2-3 सालों में 5 सालों में कंपनी और भी ज़्यादा ग्रो करेगा और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा कंपनी का, ये चांसेस ज़्यादा है। एंड कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो पहले 2019 में 404, उसके बाद 542, 507 एंड 558 करोड़। तो कंपनी की रेवेन्यू के साथ साथ इसकी प्रॉफिट भी अच्छे खासी नंबर के साथ इंक्रीज हो रहा है एंड इसके आगे जाके ग्रो करने के लिए बहुत ही चांसेस है। ऐसा क्यों बोल रहा हो, आपको वीडियो के पहले आपको पता चल चुका है, जो कि इसके कंपनी के बिजनेस के जो लास्ट में आपको बताया, इसके फ्यूचर प्लान, इसके बिजनेस एंड शुगर सेक्टर की जो एडवांटेज। उसके बाद कंपनी की प्राइस इसके इंट्रेंसिक वैल्यू से कम है, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा कंपनी है एंड रिटर्न यहाँ पे कंपनी की बहुत अच्छा है। डिविडेंड पे आउट नहीं करता है, छोटा कंपनी है, तो आपको भी पता है इतनी छोटा कंपनी से डिविडेंड एक्सपेक्ट भी किया नहीं जा सकता। एंट्री पॉइंट काफ़ी अच्छा है, कंपनी कोई ओवरबॉट जोन पे नहीं है, कोई डिफॉल्ट एक्टिविटी भी नहीं है, यानी कि ASM GSM लिस्ट पे नहीं है। यहाँ पे 56% बाइंग रेटिंग है कंपनी का, 56% पास है, 56% कंपनी बाय करने के लिए सही है। राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो बहुत अच्छा बात है। तो फाइनली कंपनी की टेक्निकल्स की बात करें तो कंपनी एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल के यहाँ पे आसपास है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो एंड यहाँ से बाउंस बैक कंपनी करने की कोशिश किया एंड फिर से यहाँ पे कंपनी डिक्रीज हुआ। यहाँ पे देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम एंड 6 7 8 टाइम यहाँ पे बाउंस किया एंड कंपनी फिर से पुल बैक किया और इस लेवल को कंपनी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। एंड यहाँ से जब सपोर्ट लेता है कंपनी अच्छा खासा ऊपर की तरफ यहाँ पे रैली दिखाता है एंड यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पे फॉर्म हुआ था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड इस लेवल से कंपनी फिर से पुल बैक करने की यहाँ पे ट्राई कर रहा है, तो इस लेवल को आप याद रखिए 28 रुपीज़। एंड इस शेयर को अगर आपको 25 रुपीज़ के अराउंड मिल जाए तो और भी क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर सकते हो। एंड इसके बारे में इसके पहले भी एक वीडियो बना था, तब शेयर की प्राइस 30 रुपीज़ के अराउंड था, तो प्राइस इसकी थोड़ा रिड्यूस हुआ है, इसलिए फिर से मुझे लगा कि इसके बारे में एक वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए इस वीडियो हम पूरा लेवल के साथ कवर कर लिया है इस वीडियो में। तो वीडियो को पसंद आया तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि इसी तरह लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। एंड दोस्तों यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, कोई भी यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप कोई भी इन्वेस्ट एंड
या पे करने से पहले अपनी खुद से स्टडी कर लीजिएगा। वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पसेस के लिए था। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।